हेलो स्टूडेंट, आप सभी का फिर एक बार स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे मुंबई वाले सर गाइड्स। आज के वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं 11th ऑनलाइन एडमिशन प्रोसेस का जो लेटेस्ट अपडेट आया है उसके बारे में। तो गाइड्स देखिए, आज के डेट में ही अपडेट आया है, उससे रिलेटेड एक शॉर्ट वीडियो मैंने चैनल पर अपलोड किया था, लेकिन मुझे ये टाइम टेबल आपको ब्रीफली एक्सप्लेन करने का था, इसके लिए आज का ये वीडियो मैं यहाँ पर बना रहा हूँ। तो वीडियो बिना स्किप के एंड तक जरूर देखिए, और प्लीज़ गाइड चैनल को फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे तो सब्सक्राइब करके रख दीजिए, ताकि आपको 11th ऑनलाइन एडमिशन से रिलेटेड सभी अपडेट यहाँ पर टाइम टू टाइम मिलने वाले हैं। तो गाइज यहाँ पे अपना जो पार्ट वन पार्ट टू का फॉर्म फिलिंग का जो प्रोसेस चालू था राउंड वन के लिए, उसके रिलेटेड ये टाइम टेबल है। क्या है टाइम टेबल एग्जैक्टली, थोड़ा सा देख लेते हैं कि क्या इसमें चेंजेस कर दिए हैं, कब तक डेट वगैरह बढ़ा है, ये सब चीज़ें यहाँ पे ये पीडीएफ में दिया है वो हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं कि क्या है इसमें। तो आप लोग यहाँ पे देख पा रहे हो गाइस, यहाँ पे अंशता बदल करने ताले इसके रिलेटेड है, मतलब अपना थोड़ा सा चेंजेस कर दिए है। क्या है ये देखिए, आप लोग नीचे की तरफ देख पा रहे हो कि इस तरह से ये टाइम टेबल है। 14/7/2023 सायंकाळी 5 वाजेपर्यंत विद्यार्थ्यांनी अर्जाचा भाग एक भरणे सुरू राहील। मीन्स 14 तारीख तक गाइस आप लोग, मतलब कल शाम को 5 बजे तक आप लोग पार्ट वन का फॉर्म फिलिंग कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पे उन्होंने बताया है कि बहुत सारे बच्चों ने पार्ट वन का फॉर्म या रजिस्ट्रेशन नहीं किया था, क्योंकि वो रिजल्ट का वेट कर रहे थे और अभी तक रिजल्ट मिले नहीं है, इसके लिए ये डेट थोड़ा एक्सटेंड कर दिया है। तो ये गाइज अपने लिए एक इम्पॉर्टेंट न्यूज़ है। और दूसरा बात आप लोग यहाँ पे देख सकते हो, भाग एक भरलेले विद्यार्थ्यांची सर्वसाधारण गुणवत्ता यादी जाहिर करने ये 15 तारीख को होगा, और 17 तारीख को गाइज आप लोग देख सकते हो विद्यार्थ्यांना पसंती क्रमांक अर्जाचा भाग दोन भरने सुरू राहील। मतलब 17 जून तक गाइज आप लोग पार्ट टू का फॉर्म भर सकते हो, मतलब पार्ट वन का फॉर्म 14 तारीख तक भर सकते हो, 2 दिन एक्सटेंड करके दिया, मतलब आज और कल का दिन है। एंड पार्ट टू का फॉर्म गाइज 17 तारीख तक आप लोग भर सकते हो। अभी यहाँ पे लिस्ट में भी थोड़ा सा चेंजेस कर दिए हैं, जो लिस्ट आपकी 19 जून को लगने वाली थी वो 19 जून को ना लग के अभी 21 जून को लगने वाली है। फेरी क्रमांक एक आप लोग देख सकते हो, सकाळी 10 वाजता नियमित फेरीसाठी अलॉटमेंट जाहिर होईल। तो इस तरह से गाइस इसमें थोड़ा सा चेंज कर दिया है, आप लोग देख पा रहे हो, और 21 से लेकर 24 चार दिन में ही आपका ये जो एडमिशन है, मतलब आपका अलॉटमेंट होगा, तो आपको ये एडमिशन कंफर्म करवा के लेने का। तो इस तरह से ये गाइस टाइम टेबल है, आप लोग बाकी भी देख सकते हो, कोटा एडमिशन उनके लिए भी थोड़ा सा चेंजेस कर दिया है। जो राउंड वन का, मतलब जीरो राउंड का जो लिस्ट लगने वाला था, ये गाइस 15 तारीख को अभी लगने वाला है। जो आप लोग का पहले 13 तारीख बोल रहे थे वो भी 2 दिन से एक्सटेंड कर दिया। तो इस तरह से गाइस यहाँ पे ओवरऑल आप लोग देख सकते हो कि टाइम टेबल में थोड़ा सा चेंजेस कर दिया है। आई होप कि आपको ये चेंजेस समझ में आया रहेगा, और इसमें को गाइस प्रॉपरली इंप्लीमेंट कर दीजिए। जिनका पार्ट वन का फॉर्म फिलिंग बाकी है, रजिस्ट्रेशन बाकी है, वो जाके फटाफट अपना रजिस्ट्रेशन और फॉर्म वन का पार्ट फिलिंग कम्प्लीट कर दीजिए, क्योंकि कल शाम को 5 बजे तक ये प्रोसेस चालू रहेगा, देन उसके बाद ये बंद हो जाएगा। एंड पार्ट टू, जैसे मैंने कहा कि इसका भी डेट एक्सटेंड करके यहाँ पे 17 जून तक कर दिया है, एंड 21 जून को अपना मेरिट लिस्ट लगने वाला है। आई होप कि आपको ये अच्छी तरह से समझ में आ रहेगा। इसके अलावा और भी कुछ डाउट रहेगा तो कमेंट करके ज़रूर बता दीजिए। हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करना मत भूलिए, और चैनल को फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी करके रखिए। थैंक यू।